This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. और बाकी सब बड़ बड़ आमदे नेता ताके सम्मान सामने बसे थका हमार सब पूजनीय लीडर्स कार्यकर्ताज एंड बीजेपी मर के जीतेंगे वाले सब सारे कार्यकर्ता कुछ बोलने के लिए कहा है, मैं फिल्म के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। ধনতেরাসে ক্যাশেট গোল্ড এন্ড ডায়মন্ডে এসে গেল সুবর্ণ সুযোগ। হলমার্ক ও HYD কোডযুক্ত প্রতি গ্রাম সোনার গহনায় পাওয়া যাচ্ছে 600 টাকা ছাড় সঙ্গে উপহার। फिल्म के लिए इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ये आज का ये सभा हम सदस्य बनाने के लिए सोच रहे हैं। আপনারা সবাই বলেন কি দাদা আপনি সামনে আসুন, আপনি সামনে আসুন, একটু আপনি সামনে আসলে আমি একটা সাহায্য পাই। আমি সামনে আসা মানে লাস্ট ইলেকশনে 37 ডেজ আমি ক্যাম্পেইন করেছি খালি মুড়ি আর গুড় খেয়ে, কিন্তু দ্য রেজাল্ট খুব দুঃখ পেয়েছি। কেন পেয়েছি? এইবার তো সুকান্তদা বললেন আর 3% যদি পাই আমরা জিতব। আপনাদের কাছে একটা আমি প্রমিস চাই, তাহলে আমি আগে আসবো। বলুন আমরা কি 1 কোটি সদস্য করতে পারবো? জোর নেই, গলায় জোর নেই, সত্যি করে বলুন 1 কোটি সদস্য কি আমরা তৈরি করতে পারবো? তাহলে আমিও কথা দিলাম 26 বো মসনাত হামারা হোগা। কুছ ভি করেঙ্গে 26 ये मसनत हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी। कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, किंतु भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको बोल वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे, हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप तीनों मुंह जुड़ जाइए, बीजेपी छोड़ दीजिए, पैसा लेके बीजेपी में मत बनिए, पैसा लेके बीजेपी मत बनिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने कि भाई लाख सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे भारतीय हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते हैं, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं, वो 68 का मिथुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है, 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती। हम राजनीति किए भैया,
खून की राजनीति की हमने, हमको सब मालूम है कौन किधर से क्या करने वाले, सब मालूम है। खाली आपका साथ चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए और वो सीना चाहिए। बस मैं सर से अनुमति ले रहा हूँ, सुनील जी से, मंगल जी से और सर से कि हम, मैं नवंबर से मैं 20 दिन मैं पार्टी के लिए रखूँगा, 10 दिन मैं अपने काम करने के लिए रखूँगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि काम नहीं करूँगा तो मैं खाऊँगा क्या, तो इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। नवंबर दिसंबर या तो अगले मार्च से जो हमको आदेश देंगे उस तरह से मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा, हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्लेस, हर गांव, हर जगह मैं छू कर आऊँगा। वहाँ बजू चक्रवर्ती को नहीं देखेंगे। मैं आप लोगों से यही मांगने जाऊँगा कि आप तैयार हैं, जो बूथ में बैठा है उसको मार के भगा देते हैं। क्यों भगा देते हैं? हम लड़ नहीं पाते, लेकिन हमको अभी वो योद्धा चाहिए जो उस कुर्सी में बैठेगा, बोलेगा मार, हम नहीं जाएंगे। एक तो बेशी हिंदी तो बोले फेलम, किंतु अपनारा सब बुझेन आमी कि बोलछी। 1 কোটি ভোট আপনারা দেবেন তো? 1 কোটি মেম্বার আপনারা দেবেন তো? তাহলে 26-এর মসনাত আমাদের, আমরা রাজ করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।